ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲਾ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਥਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੰਘੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਇਸ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। नाभा पावर राजपुरा का प्लांट पंजाब का नंबर 1 प्लांट है, सबसे एफिशिएंट प्लांट है, सबसे सस्ती बिजली ये पैदा करता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 3 जून रात 9 बजे से इसकी 1 यूनिट हमें बंद करनी पड़ी कोयले की कमी की वजह से। और ये कोयले की कमी इस वजह से हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से कोयले के रेक्स कम आ रही हैं। हमारी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो करीब 4 रेक्स की होती है हर रोज़ की, जिसमें मई के महीने में पूरे महीने में सिर्फ हमें 2 रेक्स मिले हैं, जिसकी वजह से हमारा कोल का जो सारा स्टॉक था वो ख़त्म हो गया और बहुत मजबूरी की हालत में हमें 3 तारीख को रात को 9 बजे 1 यूनिट को शटडाउन करना पड़ा। पिछले साल भी इसी तरह की समस्या हुई थी, जिसकी वजह से 54 दिन का हमें शटडाउन करना पड़ा था और इस साल भी अप्रैल के महीने में 10 दिन का शटडाउन करना पड़ा। ध्यान रहे कि जब भी नाभा पावर की यूनिट कोई शटडाउन में जाती है तो पंजाब को एक महंगी बिजली मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है और जिसका सीधा असर यहाँ के कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नाभा पावर की इस कठिनाई को दूर करें। इसके लिए जितने कोल की ज़रूरत है, कोयले की, उस कोयले को हमें दिया जाए, कोल इंडिया से प्रदान किया जाए और इसको चलाने के लिए जितनी रेक्स की ज़रूरत है वो रेक्स भी दी जाए। नाभा पावर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। ये हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छा और एक एफिशिएंट प्लांट है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने रखेंगे और इस समस्या का समाधान करने की भरपूर चेष्टा करेंगे। धन्यवाद सर। आपने इस प्रॉब्लम को लेकर किसी सेंटर से भी कोई बात की किसी के साथ? हमने पिछले पूरे साल में कई सारे प्रतिवेदन दिए हैं, कोल इंडिया को दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी दिए हैं और उनको बार बार अवगत कराया है हमारी कठिनाइयों के साथ में। सर ये प्रतिदिन अगर ये बंद हो जाता तो प्रतिदिन मतलब कितना लॉस हो रहा है? ये जैसा आप जानते हैं, जब 700 मेगावाट का इस तरह का प्लांट बंद हो जाता है और जिस दर पर हम बिजली देते हैं और जिस दर पर पंजाब बाहर से खरीदती है, तो प्रतिदिन मेरे हिसाब से कोई कम 3 करोड़ रुपए का ज़रूर नुकसान पंजाब को होगा।